अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चिकन डोसा बनाना सीखेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हम लेंगे ये 2 कप चावल। ये कोलम राइस है, आप कोई भी राइस ले सकते हैं, जो भी आप डेली यूज़ करते हैं वो राइस लीजिए, या फिर आप डोसा राइस भी ले सकते हैं। और देखिए, ये 1 कप माश की दाल है, यानी उड़द दाल है। और हमने लेना है ये 2 टेबलस्पून पोहे, और यहाँ पर हमने लिया है ये 2 टेबलस्पून चना दाल, और 1 टीस्पून मेथी दाना ले रहे हैं हम। इस मेथी दाने की वजह से फर्मेंटेशन में भी हेल्प होगी और साथ ही बैटर स्टिकी बनेगा। अब देखिए, हम सबसे पहले इन दालों को धो लेते हैं। धोने के लिए मैंने एक बर्तन में दोनों कप चावल डाल देने हैं, और साथ ही मैंने इसमें दोनों दालें डाल ली हैं। देखिए, मैंने इसमें ये माश की दाल डाल दी, और माश की दाल और चावल को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालिए, और साथ ही हम इसमें ये चना दाल भी डाल देंगे। चना दाल, माश की दाल और चावल को अच्छी तरह से साफ धो लीजिए, और धोने के बाद इसे भिगोने के लिए 2 ग्लास पानी डाल दीजिए। अब हम मेथी को पीस लेते हैं। मेथी दाने को बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। देखिए, इस तरह से हमने पाउडर बना लिया है, और पिसी हुई मेथी को आप चावल और दालों में मिला लीजिए, और इसे 5 से 6 घंटे ढांक कर रख दीजिए। 5 से 6 घंटे बाद ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। देखा आपने, दाल भी अच्छी तरह से नरम हो गई है और चावल भी। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए मैंने इसे एक जार में डाल दिया, और हाँ, वही पानी यूज़ कीजिए जो कि हमने इन चावल और दाल को भिगोने के लिए यूज़ किया था, वही पानी डालकर हम इसे पीसेंगे। तो थोड़ा पानी डालिए, फिर उसके बाद आप इसमें पोहे डाल दीजिए, और पोहे डालकर इसे बारीक पीस लीजिए। बारीक मीन्स रवे जैसा हमको पीसना है। फिर उसके बाद आप ढक्कन ढाँक कर इसे 8 से 9 घंटे रख दीजिए। 8 से 9 घंटे के बाद देखिए, बहुत अच्छी तरह से आटा फूल जाएगा। उसके बाद आप इसमें नमक डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। हमारा डोसा बैटर तैयार है। अब हम चिकन की स्टफिंग बनाने के लिए 1 प्याज ले रहे हैं, और फिर हम ये 2 से 3 हरी मिर्चें ले लेंगे, और कोथमीर यानी हरा धनिया लिया है हमने 2 टेबलस्पून, और 4 टमाटर हैं। तो हम सबसे पहले टमाटर और प्याज को कट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने टमाटर कट किए। अब एक बर्तन में कटे हुए टमाटर डालिए, 1 ग्लास पानी डाल दीजिए, और फिर 1 कटी हुई प्याज डाल दीजिए। हमने 4 टमाटर, 1 प्याज और 1 ग्लास पानी डाल दिया, और अब गैस ऑन कीजिए। इस बर्तन को गैस पर रखिए और इसे बॉईल कीजिए। तेज़ आंच पर इसे पकाइए जब तक के टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल नहीं जाते। जब ये गल जाएंगे तब आप गैस बंद कीजिए, और फिर इसे ठंडा कीजिए। मैंने ठंडा इसे एक थाली में कर लिया है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। फिर इसे आप बारीक पीस लीजिए। तो देखिए, हमने इसे पीस कर रख लिया है। यहाँ 300 ग्राम बोनलेस चिकन है। इसे मैंने पहले धो लिया, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा विनेगर डालकर भी धोया है, तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो गया। इसके मैंने बस इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 1.5 टीस्पून ये तंदूरी चिकन मसाला है, आप कोई भी कंपनी का ले सकती हैं, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, यानी 1.5 चम्मच। अब हमने एक कढ़ाई को गैस पे रखा, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून तेल डालकर गर्म किया। फिर उसके बाद मैंने इसमें 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची डाल दी। अब तेज़ आँच पर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट इसमें डाल दीजिए, और हल्दी भी डाल दीजिए 1/2 टीस्पून, और हल्दी अदरक लहसुन के साथ इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। उसके बाद आप इसमें टमाटर डाल दीजिए, जो पिसे हुए टमाटर और प्याज थे वो हमने इसमें डाल दिए। फिर उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डालिए, धनिया पाउडर डाल दीजिए, और ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए। अब हमने इसमें नमक डाल दिया। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से तेज़ आंच पर भूनना शुरू कीजिए।
जब मसाला इस तरह से तेल छोड़ने लगेगा तब आप इसमें ये चिकन डाल दीजिए जो कि हमने साफ धो कर रखा था। अब तेज़ आंच पर इसे भी पकाइए, इसे जब तक पकाइए जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। अब इसमें तंदूरी चिकन मसाला डाल दीजिए और देखिए इसे फिर से भूनिए। देखिए यहाँ पर चिकन भी गल गया है और मसाला भी सूख गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। बटर डालकर मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा सा पकाइए। फिर 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालिए या फिर आप दूध की मलाई भी डाल सकती हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, थोड़ा सा पकाइए। फिर उसके बाद 2 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक कट करके इसमें डाल दीजिए। फिर कोथमीर यानी हरा धनिया डालिए और फिर गैस बंद कीजिए। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब डोसे के तवे को गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद ये देखिए ये डोसा बैटर है, ये इतना ही पतला होना चाहिए। अब गर्म तवे पर हमने थोड़ा सा तेल लगा लेना है। मैंने एक प्याज को कट कर लिया है और आधी प्याज से मैं इस पर थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ। फिर उसके बाद आप इस पर डोसे का बैटर डालिए। और कभी भी डोसा बनाते वक्त ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ इसे एक ही साइड से घुमाना है तो आपका डोसा सही बनेगा। इस तरह से आप घुमाइए। देखिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने ग्रुप्स में हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। और देखिए अब हम इस पर 1 से 2 टीस्पून तेल डाल देंगे। जब डोसा इस तरह से सूख जाएगा तवे पर तब आप इस पर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। और हाँ अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी रेसिपीज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। अब देखिए डोसा नीचे से अच्छी तरह से पक गया है, कितना गोल्डन लग रहा है, कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत जालीदार। तो हमारा ये डोसा तैयार हो गया है। अब हम इस पर चिकन स्टफिंग डालते हैं। देखिए हमने ये चिकन की स्टफिंग रख दी और अब हम इसे रोल कर लेंगे। देखा आपने कितना ज़बरदस्त है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार ये चिकन डोसा तैयार है। अब मैं आपको दूसरा डोसा बताती हूँ, ये चिकन बटर डोसा है। आप डोसा उसी तरह से बनाइए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेम उसी तरह से बनाना है, लेकिन सिर्फ आपको इसमें बटर डालना है। हम इस पर बटर डाल देंगे। जब ये बैटर इस तरह से सूखने लगेगा, पकने लगेगा, तब हमने इस पर ये बटर डाल देना है। और जब बटर पिघल जाएगा और डोसा नीचे से अच्छी तरह से पक जाएगा तब आप इस पर ये चिकन की स्टफिंग डालिए। इसे रोल कीजिए और ये तैयार है। आप इसे चटनी सांबर के साथ सर्व कीजिए। नारियल की चटनी, अदरक की चटनी, सांबर के साथ आप सर्व कर सकती हैं। मैंने अपने चैनल पर दी है, आप उसे देख सकती हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। तो सबाज बेस्ट क्लासेस को ज़रूर लाइक शेयर और 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।